अच्छा ठीक है, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा तेरा काम, बात करते हैं। ओए टॉमी, टॉमी, ओए टॉमी, अबे कुछ बोल ना। लेकिन भाई आप ही ने तो बोला था कि 20 में ना बोल। ओह हाँ तो अभी बात शुरू कहाँ हुई है, बात जब शुरू हो जाए ना तब 20 में नहीं बोलने का, ठीक है? अच्छा ठीक है भाई। ना बोल। और ये कर क्या रहे तू, किताबों में घुस कर? यार हाशमी भाई कल से हमारा बोर्ड का एग्जाम है इसलिए मैं तैयारी कर रहा था। हाँ अच्छा, तो आज मैं तुमसे एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया है, जिसमें लोग सोना, खाना, पीना, रोना, धोना, मोना, खोना सब कुछ भूल जाते हैं। कौन सी भाई? बीच में ना बोल, मैं बात करने वाला हूँ आज एग्जाम की। साला अगर ब्लैकमेलिंग इलीगल है ना तो इन सारे टीचर्स को जेल में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि साला पेपर नजदीक पहुंचते हैं ये लोग हमें धमकी देना शुरू कर देते हैं। नहीं ये लोग कहेंगे कि असाइनमेंट लिख के लाओ वरना फॉर्म नहीं जाएगा, फिर कहेंगे 80% अटेंडेंस लाओ वरना फॉर्म नहीं जाएगा, फिर कहेंगे कुछ भी करो तुम्हारा फॉर्म नहीं जाएगा। और तो और साला दुनिया की हर क्लास में एक ऐसा बच्चा होता है जिसकी माँ या फिर उसका बाप उसी क्लास का टीचर होता है। वाह भाई वाह, क्या बात है। फिर वो साला टॉप कर जाते, पता नहीं कैसे टॉप कर लेता यार हमेशा। और फिर जैसे तैसे करके हमारा फॉर्म चला गया बोर्ड में, तो फिर भी इनकी ब्लैकमेलिंग खत्म नहीं होती, फिर भी बोलेंगे कि ये मत करो ये करो वरना तुम्हारा फॉर्म वापस लिया जाएगा। सच में यार वापस लाओगे तुम बोर्ड से? और फिर ये सब मुसीबतें अगर तुम पार कर एग्जाम हॉल में पहुंचते हो तो फिर एक टकला आदमी आता है और तुम्हारी तलाशी लेता है और बोलता है, ये क्या है? ये वॉलेट है सर, बाहर रख के आओ। ये क्या है? ये कैलकुलेटर है सर, बाहर रख के आओ। ये क्या है? ये पेन है सर, बाहर रख के आओ। तुम खुद भी बाहर जाओ। मतलब हर चीज बाहर रख के आओ यार, मतलब कि तुम ही करो ना मेरे पेपर, मुझे तो कुछ लाने की इजाजत ही नहीं है। और इसके बाद जब क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में आ जाता है और हम सारे क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ने लगते, तभी एक स्टूडेंट की जानी पहचानी आवाज आती है, एक्स्ट्रा शीट। और सभी हॉल में बैठे लोग उस बच्चे को ऐसा देखते हैं जैसे उसने एक्स्ट्रा शीट नहीं डिवोर्स पेपर मांग लिया हो यार। हाँ भाई बीच में ना बोल। और ये सब मुसीबतें पार करके तुम अगर कहोगे कि पेपर खत्म हो गया तो वो टकला आदमी आएगा और तुम्हें छोटी सी रस्सी दे देगा, मतलब रस्सी दे देगा यार। उनसे कह दो कि स्टेपलर का इजाद हो गया है और हमें उसी रस्सी से पेपर को बांध के देना पड़ता है। और जब रिजल्ट आता है और हमारे पेरेंट्स का भेजा पहले से ही गर्म होता है, तभी कुछ रिश्तेदार आते हैं, मेरे बेटे ने ये कर लिया, मेरे बेटे ने इससे ज़्यादा नंबर ले लिया, जबकि मुझे पता है कि उस साले ने मेरे पीछे बैठकर मुझसे नकल की थी, पता नहीं कैसे ज़्यादा नंबर हो गए यार उसके। और लास्ट में एक बंदा आता है जो कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि ये फेल हो जाएगा। साला अगर तुझे पहले से ही पता था ना तो मुझे पहले कह देते, मैं पहले कोई और काम कर लेता, शायद उसमें कामयाब हो जाता, मुझे पहले से ही पता था, बात करता है। अच्छा बस बस तू तैयारी कर, कल जरा पेपर है ना। ओके भाई ठीक है भाई, बीच में ना बोल।